तो मैं बुलाऊंगी जी सिंगर हैं हमारे ओएसटी खुद परस्त के शानी अरशद, और उनके साथ होंगे सैफ हसन जो के बड़े जबरदस्त डायरेक्टर भी हैं और साथ आपको बहुत सारे ड्रामों में नजर भी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली उनका चल रहा है किसी पिटी मोहब्बत में, वो नाहिद बने हैं, तो आपको बड़ा अच्छे से रिकग्नाइज होगा। लेकिन खुद परस्त में भी उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। आइए ये टैलेंटेड टीम इसको एक साथ टीम अप करते हैं और देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। आइए वेलकम करते हैं सैफ हसन एंड शानी अरशद। आइए आपकी टीम है यहाँ खुदपरस्त की टीम। आपका क्या कैरेक्टर था खुदपरस्त में सैफ? प्लीज जी, मेरा कैरेक्टर था एक नेगेटिव कैरेक्टर था। अच्छा, बड़ा भाई जो के मेरी छोटी बहन रमशा खान प्ले कर रही थी। हाँ। जिनकी शादी शहजाद शेख से होती है जो कि एक बड़े बिग शॉट होते हैं। अच्छा। और ये बड़ा भाई जो होता है ये एक लूटने वाला आदमी। अच्छा, होता है। अच्छा, तो उनको हमेशा उनसे पैसे कुछ निकलवाने के चक्कर में रहता है, जिसकी वजह से उसकी बहन की शादी भी टूटती है। हाँ, तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर। तो डायरेक्शन करते करते जी एक्टिंग में आ गए आप? और जब मैं चाहता तो एक्टिंग ही करना था। हाँ। तो मजबूरन डायरेक्शन में चला गया। और इतने अच्छे अच्छे ड्रामे भी बना दिए। लास्ट जरा बताए लोगों को कौन सा वेंचर था आपका जो हिट हुआ? मेरा आखिरी अहदे वफा। अहदे वफा हिट हुआ है भाई, लेकिन देखा गया। हाँ, देखा गया काफी।